शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे दुर्गा मां, आपको चढ़ाया हुआ सिंदूर हमने अपनी मांग में सजाया है, अब हमारे स्वाग की भी रक्षा आप ही करना। हमें रास्ता दिखाओ मां, हमें रास्ता दिखाओ। उलझन सुलझा दो माँ, हमारी ये उलझन सुलझा दो। जादूगरनी हो तुम, देखा मैंने कैसे तुम मंत्र बड़बड़ा रही थी, और उस दिन भी देखा जब चावलों के ऊपर कुछ पड़ रही थी, तुम इस घर पे जादू टोना कर रही हो। जिसके तार उससे जुड़े हो वो टोटके नहीं करते। बस अपने तार ना अपने पास रखो, और तुम जैसों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, अपनी दौलत का बहुत घमंड है ना तुम्हें। भिखारी की अगर लॉटरी भी लग जाए ना, उसके हाथ में रहता कटोरा ही है। बस हम जैसों का आशीर्वाद और बदुआ दोनों लगती है, पर बदुआ तो कुछ ज्यादा ही लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये प्रसाद दे दूं। ये दीदी तो मुरवाएगी, पहले वो कबीले वाली से पंगा और अब इस ताली वाली से। इसीलिए बच के रहना, समझी तुम? दुर्गा माँ, देख रहे हो गौरव, ये लोग तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी उर्वशी को डांट रहे हैं, और मैंने देखा था कि ये औरत ना कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी। आपको कोई हक नहीं है हमारी बीवी को डांटने का, आपने एक घर खरीदा है, हमें नहीं, इसलिए धमकियां मत देना आप। हम धमकी नहीं, सलाह दे रहे थे इसे। अरे नहीं चाहिए आपकी कोई सलाह, समझी आप? समझ तो तुम नहीं रहे हो गौरव। हाँ नहीं समझ रहे हम, और समझना भी नहीं चाहते, इसलिए आप ये बताइए आप यहाँ क्या कर रही थी और क्या बड़बड़ा रही थी आप, ये बताइए पहले आप। मंत्र ही थे गौरव, मैंने इसे बड़बड़ाते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब बहुत हो गया है आपका और आपकी बेटी का,
ये जादू टोना कहीं और जाकर करिए, हमारे ऊपर नहीं। हम जादू टोना नहीं कर रहे थे। जादू टोना नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे आप? और अगर जादू टोना नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ पर क्यों आती है बार बार, ये बताइए हमें। बोलिए ना, क्या कर रही थी आप यहाँ पर? इस तरह से जुबान आप जैसे चोरों की बंद होती है, समझिए आप। हमारी जुबानी तो सब कुछ है। अच्छा कह दिया तो अर्श पर, और बुरा कह दिया तो फर्श पर। अब देखते हैं हमारी जुबान क्या कहती है। नहीं दुर्गा माँ, गौरव को शाप मत देना। आज के बाद तुम ऐसे लोगों को क्या श्राप देना जो पहले से ही अपने कर्मों की सजा भुगत रहे। बचा है कुछ इनके पास? न घर, न पैसा, न मान, न सम्मान। इन मरे हुओं को क्या मारना? दीदी, कहीं ये ताली वाली ही तो वो शक्ति नहीं जो आपके वशीकरण में बाधा डाल रही है? ओ मदर टेरेसा, अपनी माँ के जादू टोने पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम माँ बेटी हम सबको बर्बाद करना चाहते हो, इसलिए नाटक मत करो। तो जस्ट शट अप। छुपा के कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं है। रियली, तुम तो शादीशुदा हो नहीं, तो फिर ये सिंदूर किस आशिक के नाम का लगाया है? देखो मां, ये तो सुहागन निकली और मुझे पक्का पता है कि इसने कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया है। मुझे तो लगता है कि ये हम सब पे वशीकरण करना चाहती है। वशीकरण वो करता है जिसके बस में कुछ नहीं होता है और फिर भी वो सब कुछ पाने की चाह रखता है। तुम्हारा ना तो नजरिया सही है और ना ही नजर, तो कम से कम अपने इस मुंह से दो शब्द तो अच्छे बोल लेती। और याद रहे, आइंदा अगर मेरी माँ को तुमने ताली वाली कहा ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। उर्वशी, माफी मांगिए इनसे। माना कि ये छूटी, खमंडी और बड़बोली है, पर इस वक्त ये सही है और आप गलत हैं। और हमें कोई हक नहीं है किसी की मां का अपमान करने का।
इसलिए माफी मांगी इनसे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।